नमस्कार, नेशनल नाउ में मैं संगीता झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल बाजार रंग बिरंगी छोटी बड़ी विभिन्न आकार की पतंगों से सज जाता है। इनमें से आप अपने मुताबिक कोई भी पतंग चुन सकते हैं, लेकिन इसे उड़ाने के लिए आप जिस मांझे यानी पतंग उड़ाने वाली डोर का प्रयोग कर रहे हैं उससे सावधान हो जाए। यह डोर न केवल आपको बुरी तरह से घायल कर सकती है, बल्कि पतंग की यह सुनहरी डोर आपसे आपकी या अपनों की जिंदगी भी छीन सकती है। जी हाँ, बाजार में चाइना की बनी पतंगे और मांझे की खूब बिक्री हो रही है, लेकिन दिखने में आकर्षक और मजबूत मांझा आपको बुरी तरह से घायल कर सकता है। दरअसल अपनी पतंग को कटने से बचाने के लिए लोग चाइना की डोर का प्रयोग करते हैं, लेकिन चाइना की यह डोर सिर्फ आकाश में उड़ते पंछियों को ही घायल नहीं करती, बल्कि जरा सा टकराव होने पर आपके नाजुक हाथों को भी घायल कर देती है। पिछले कुछ सालों में चाइना की डोर में उलझकर कई जाने जा चुकी हैं। इससे बचने के लिए आपको बेहद सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। एक चिड़िया पतंग के धागे में फंसी हुई, जिसका रेस्क्यू करते हुए हमारे मित्र कलम सिंह आजाद काफी टाइम से बकुला या फंसा हुआ है पतंग के धागे में, जिसको बचाने के लिए हमारे मित्र कलम सिंह काफी प्रयास कर रहे हैं। करीब इसके पहले एक चिड़िया फंसी थी, उसको बचाया, फिर उसके बाद इस बकुले को जो काफी टाइम से पतंग के धागे में फंसा हुआ था। इसके लिए कुछ काटने को होता तो धागा निकल, इन्होंने धागे से बकुले को निकाला और ये है आरपीएफ जवान कलाम सिंह, जो अभी चितरंजन रेल इंजन वर्कशॉप में कार्यरत हैं। चाइनीज मांझा में फंसे हुए परिंदों को बचाते हुए मानवता का परिचय देते हुए जो जवान सरहद हो या देश में जगह जगह खुद को खतरे में डालकर हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, उनका एक चेहरा ऐसा भी है। कुछ जरूरी सावधानियां जरूर अपनाएं, जैसे कि बाजार से चाइना की डोर के बजाय सामान्य मांझा खरीद कर लाएं। यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता और ना ही इतना पक्का होता है कि किसी पशु पक्षी को घायल करे। और अगर घर में गलती से भी चाइना की डोर आ गई है तो उसे बच्चों और अन्य लोगों से दूर रखें और चाइना डोर के नुकसान और खतरे से अवगत कराएं। पतंग उड़ाते समय भी विशेष रूप से सावधानी रखें। सामान्य धागे में भी कई बार कांच का मिश्रण लगा होता है, यह आपको घायल कर सकता है। पिछले कुछ सालों में चाइना की डोर में उलझकर कई जाने जा चुके हैं। इससे बचने के लिए आपको बेहद सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। फिलहाल लेते ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।